आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी ने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मान लिया है कि कोरोना की थर्ड लहर मध्य प्रदेश में आ चुकी है। तो स्टूडेंट आइए मिशन आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि क्या आपकी मध्य प्रदेश की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसके संबंध में जानकारी दूंगा। साथ ही जो आपकी आरक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, क्या इसको कैंसिल किया जाने वाला है, नहीं किया जाने वाला, इन दोनों खबरों को इस वीडियो में मैं विस्तार से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो को बनाने का रीजन ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूं, ओनली जो सच्चाई है या मतलब आपके जो चांसेस है परीक्षाओं को लेकर, जो भी आपको भ्रम है वह आपके सारे कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही का अपडेट है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण आरक्षक भर्ती परीक्षा एक बार फिर टल सकती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से बताता हूँ। 8 जनवरी से शुरू हो रही पुलिस विभाग की आरक्षक भर्ती परीक्षा पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में व्यापम तीसरी बार आरक्षक भर्ती परीक्षा को निरस्त कर सकता है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकरण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने से व्यापम कई आरोपों से मुक्त हो जाएगा। 8 जनवरी से शुरू होने वाली पुलिस विभाग की आरक्षक भर्ती परीक्षा एक बार फिर टल सकती है, क्योंकि देश के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। 17 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में 12,17,000 उम्मीदवारों को शामिल होना है। इसमें करीब 1,00,000 उम्मीदवार दूसरे राज्यों के होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इसमें करीबन 12,17,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। टोटल 4,000 के आसपास वैकेंसी हैं। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मतलब उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, इसमें 1,00,000 उम्मीदवार दूसरे प्रदेशों के होंगे। मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा खतरा रहेगा कोरोना संक्रमण का। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस परीक्षा को कैंसिल किया जा सकता है। तो अभी स्टूडेंट देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि कैंसिल की जाएगी। अभी देखिए, इस पर लगातार यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। राज्य सरकार भी लगातार मीटिंग कर रही है, क्राइसिस कमेटी की मीटिंग भी आज, जिसमें यहाँ पर काफ़ी बड़े डिसीजन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, है परीक्षा आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबे दिन तक चलने वाली। लगभग एक दिन में 38,000 स्टूडेंट इस परीक्षाओं को देंगे। उसके बाद करीबन 17 फरवरी तक इस परीक्षा को कंडक्ट करवाना है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसके अभी कुछ शिफ्टों के एग्जाम्स हो जाएं अभी, मतलब कंडीशन जब तक सही है। उसके बाद हो सकता है कि आगे जो मतलब शिफ्ट्स रहेंगी उनके एग्जाम्स को कैंसिल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसके एडमिट कार्ड जारी हो गए, तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी तैयारी को अभी करते रहिए। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब बात आती है एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं को लेकर। तो स्टूडेंट देखिए, मैं पिछले भी कई सारे अपडेट्स आए उनमें लगातार कह चुका हूँ कि आपकी जो एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, इसको जो कैंसिल करने का डिसीजन होगा वह एमपी बोर्ड का नहीं होगा, वह डिसीजन लेगी राज्य सरकार, यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस पर डिसीजन लेंगे। अभी तो स्टूडेंट देखिए, अभी आपके जो एडमिट कार्ड भी हैं 10वीं और 12वीं के, जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएंगे। मतलब इस हफ्ते में हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएं और आपकी जो फाइनली परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। अगर मान लीजिए कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस इंक्रीज हो जाते हैं उस समय तक, तो उसके कुछ समय पहले ही आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको देखिए इतनी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी आपको किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी से पढ़ाई को बंद कर दीजिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप मेरे से मतलब पूछते रहिए, मैं आपको उनको सॉल्व करता रहूँगा। तो भी आपको पढ़ाई बंद नहीं करना है जब तक यहाँ पर लगातार जो अपडेट्स हैं मैं आपको ना बता दूँ कि अब आपके एग्जाम कैंसिल हो गए फाइनली, तब तक आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, लगातार इस पर बैठकें हो रही हैं। हो सकता है कि बाद में अगर ज़्यादा हालात बिगड़ते हैं तो उस कंडीशन में आपके 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स को कैंसिल किया जा सकता है। पर अभी स्टूडेंट ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि जिसमें अभी बोला जा रहा है कि अभी आपके एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं। पर आप मानकर चलिए कि काफ़ी ज़्यादा केसेस इंक्रीज हो जाते हैं फरवरी में, तो उस कंडीशन में आपके 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं इनकी डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो तब तक स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, अपडेट्स आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।